आइए हम जानते हैं क्या है पब्लिक का मिजाज आगामी चुनाव को लेकर के। नाम बताइए भाई साहब। राम ब्रिक सिंह यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? मतलब गांव सब बात यही है, लेकिन हम पैकौली गांव के रहने वाले हैं। राजस्व गांव पैकौली। पैकौली के रहने वाले हैं, जिला गाजीपुर। जी, गांव सभा यही हमारा। गाजीपुर जिला है ना? जी जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि अब आगे इलेक्शन है 2022 में, जी ठीक है, जी जी, तो क्या स्थिति है, किसकी सरकार बनेगी, किसको पसंद करेंगे आप लोग? भाई ये देख लीजिए, ये जो योगी की सरकार है, हम एक किसान हैं और ये किसान को देखते हुए हमें सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने वो जो पशुओं की अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था से हम बहुत दुखी हैं। ये हम तो नहीं चाहते हैं कि ये सरकार इनकी रहे। क्या सरकार? जी नहीं, हम इनको नहीं चाहते, इस वजह से नहीं चाहते हैं कि मान लीजिए अब इनके अब यूपी में देखें तो डीजल पेट्रोल कहाँ तक चला गया, और किसी भी दौर पर देखिए, किसी चीज़ की महंगाई को देखिए, अब गिनती हम कहाँ कहाँ तक। अच्छा तो अब किसकी सरकार को आप पसंद करेंगे, कैसा आदमी आना चाहिए? हमें आदमी वही पसंद है, हमें मतलब सरकार से मतलब हमें आदमी वही पसंद है जो कि हमारे जनता के बीच में वो हमको मतलब सुखी ढंग से रख सके, मतलब सुख दुख समझे। जी हाँ, हमारा मिजाज वो है, हम इस बात को समझ रहे हैं। हमें यानी सरकार से मतलब वो नहीं कि ये पार्टी, यानी क्या चाहते हैं, मतलब कि बदलाव की तरफ आपका इशारा है कि निश्चित? हम तो ये चाहते हैं कि बदलाव निश्चित, बदलाव हो, निश्चित हो। अपना नाम बताइए। राम सेवक। किस गांव के हैं? फुलवारी कला। जिला? गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा ये बताइए कि 2022 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या मिजाज है? अरे जैसे मुख्यमंत्री कौन है आपके प्रदेश के? मुख्यमंत्री की अब हम ना बता पाए। मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है? ना पढ़ रहे, पहले के रहे, ना जानत हुआ आप। हाँ। तो मुख्यमंत्री के बनी अब ये बतावा, इलेक्शन हो जाता है अब तो मुख्यमंत्री अखिलेश बने तो ठीक है। अच्छा। हाँ। और जो ये योगी हुए इनकर ना समझ में आओ तो? हाँ। कहाँ मतलब काहे नहीं समझ में आ रहा है? अरे बड़ी महंगाई का जाना ना। हाँ। बड़ी महंगाई। अच्छा। 200 रुपया लीटर तेल करू हो गए। हाँ, मट्टी का मिलता ना, अनहार लाइन चल गई तो अनहार ही खा ला। अच्छा अच्छा। नहीं तो उसमें कर तेल ना पड़ो। अच्छा, महंगाई बढ़ गई। और ये सब खेती बाड़ी पशु वशु सब खाद का वो भाव, अनाज का ही भाव। और पेंशन मिलता है आपको? नहीं। और किसान जो खेती है जिसके पास, उसके पास पैसा भी मिलता है खेत वालों को? सामान के मिल बने का कभी नहीं मिला। हाँ। तो फार्म वार्म भरेंगे तब ना? जाना नहीं तब। 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का मिलता है आपको? हाँ, तो जब जाना नहीं तब ना भरा जाए तो जानकारी कीजिए। हाँ।